नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। गजरौला के शुभांशी बाल चिकित्सालय में हुई दो नवजात शिशुओं की मौत पर सीएमओ मजिस्ट्रेट जांच करने पहुंचे। कल 6 जनवरी 2020 को बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्यागी के शुभांशी बाल चिकित्सालय में हुई दो नवजात शिशुओं की मौत की खबर प्राइम न्यूज 24 ने अब तक पहुंचाई थी। इन नवजात शिशुओं की मौत की जांच करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा और जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा। चिकित्सा अधिकारी ने बताया, मृतक शिशुओं के परिजनों से बात करके उचित कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ही कुछ ही दूरी पर स्थित सीएससी गजरौला पर चिकित्सा अधिकारी अमरोहा और जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा ने पहुंचकर दवाइयों के स्टॉक और अस्पताल की सफाई का निरीक्षण किया, जिसमें स्टाफ कम पाया गया, जिससे वो दोनों काफी नाराज दिखे। अचानक हुए दौरे से अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। हाँ सर, ये जो रात्रि में जो दो बच्चों की मौत हुई है यहाँ अस्पताल में, इसके बारे में कुछ बताएं क्या है? और जैसे डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, स्टाफ पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन। देखिए, कल शाम यहाँ पे दो बच्चों की डेथ हुई थी, तो मुझे जैसे पता चला कि मैं उसी को देखने आया हुआ हूँ। अभी मैंने पूछताछ की डॉक्टर साहब से दोनों बच्चों के बारे में। एक बच्चा जो आया था उसको थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, वहाँ पर एडमिट किया गया था, तो उसको देखते रहे। उसके बाद उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए थे, तो यहाँ से रेफर भी किया गया था। उसके बाद में डेथ हो गई। उनके परिवार वालों ने भी आरोप लगाए हैं। परिवार वाले भी उनके आए हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं मेरा। उनसे भी मुझे और पूछताछ करनी, बाकी अभी मैं आया हूँ। अभी डॉक्टर साहब पूरा रिकॉर्ड और उनके पूरे चीज़ों छानबीन करके पूरी जाँच बना के छात्र को देते हैं। अभी क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप? मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, तो क्या कार्रवाई? बिल्कुल, अभी पूरी अभी हमने पूरी जाँच की नहीं है, तो हम आए हैं। अभी उनको पूरा रिकॉर्ड देख रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट में शामिल रहे हैं, जो भी उनके साथी रहे हैं, सबके अभी ध्यान रहे हैं, सबकी इससे पूछताछ की जाएगी। और जो भी होगा, कोई भी दोषी पाया जाता तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।